हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि फैंस इस चीज का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं वो है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। एंड सभी को लग रहा था कि वो हमें रेसलमेनिया 37 से पहले अपना रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं एंड वो हमें बॉबी लेसनर को चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए, बट ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट क्या रेसलमेनिया बैकलैश के पेपर में WWE हमें देने वाली है एक काफी बड़ा शॉकर एंड वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ समर स्लैम 2021 कहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा WWE 2K22 गेम के कवर पोस्टर में कौन सा सुपरस्टार रहने वाला है। तो गाइज, सबसे पहले हम 2K22 गेम से रिलेटेड अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, लास्ट ईयर WWE अपना 2K21 नहीं निकाल पाए थे इस पैंडेमिक की वजह से एंड उसके बदले उन्होंने निकाला था बैटल ग्राउंड, जो कि उतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आया। बट हाँ, WWE फिर से ट्रैक पर आ चुकी है एंड इस ईयर वो लाने वाली है WWE 2K22 गेम। और सभी के मन में ये सवाल तो जरूर रहता है कि भाई गेम के कवर पोस्टर में कौन होगा। हर साल इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बातें होती है। लास्ट टाइम हम सब जानते हैं बैकी लिंच एंड रोमन रेंस थे, उससे पहले एजे स्टाइल्स थे एंड उससे पहले सेथ रॉलिंस, एंड इसी तरह से ये चलते रहता है। बट बात की जाए इस ईयर कौन होने वाला है, देन गाइस WWE ने पोल क्रिएट किया था जिसमें मेंस में सबसे ज्यादा वोट मिला है ड्रू मैकइंटायर को एंड वुमेन्स में साशा बैंक्स को। एंड अभी भी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन होने वाला है पोस्टर में, बट WWE ने इस कवर फोटो को डाला अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, यानी कि पॉसिबली वो सुपरस्टार होने वाले ड्रू मैकइंटायर या फिर साशा बैंक्स या फिर हो सकता है WWE दोनों को एक साथ डाल दे, जिस तरह उन्होंने रोमन रेंस एंड बैकी लिंच को डाला था। एंड भाई, ड्रू मैकइंटायर तो डिजर्व ही करते हैं जिस तरह से उनका 2020 में राइज हुआ। तो लेट्स सी कि आखिरकार WWE क्या कुछ डिसाइड करती है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस साल के कवर पोस्टर में कौन सा सुपरस्टार होना चाहिए वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है समर स्लैम 2021 के लोकेशन से कि आखिरकार कहां पर होने वाला है इस साल का समर स्लैम। देन जैसा कि आप सब जानते हैं, समर स्लैम रेसलमेनिया के बाद का सबसे बड़ा इवेंट है जिसके लिए WWE रेसलमेनिया के बाद से अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी कि उन्हें कहां पर ये इवेंट करवाना है, कौन कौन से मैचेस करवाना है। तो मैचेस को लेकर तो अभी उतनी कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है, बट हाँ उनके लोकेशन को लेकर आ चुकी है। तो गाइज, रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्ज़र ने ये चीज कही है कि WWE ये प्लान करेगी वो अपने इस साल के समर स्लैम को करवाने वाली है और कहीं नहीं बल्कि MSG में, यानी कि मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में। और भाई, इस जगह का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर WWE लाइव इवेंट भी करती थी हर साल, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता था एंड उसमें हमें बड़े बड़े स्टार्स भी देखने को मिलते थे। इसलिए कह सकते हैं कि अगर इस साल का समर स्लैम मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में होता है देन वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होने वाला है। वैसे आप इस साल के समर स्लैम में कौन सा WWE चैंपियनशिप एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखना चाहते हैं वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से। देन रेसलमेनिया से पहले इसके अच्छे खासे चांसेस लग रहे थे कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है एंड वो जाने वाले WWE चैंपियनशिप के लिए। बट हां, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। बट आप सबको पता ही है, जब भी WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवाती है देन वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि उस जगह पर ब्रॉक लेसनर आने वाले, चाहे बात कर लीजिए 2018 के हेल इन अ सेल के बारे में या फिर मनी इन द बैंक 2019 के बारे में। और रेसलमेनिया बैकलैश में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, बट हाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे रीजन और कुछ नहीं, वो है रॉ की गिरती हुई रेटिंग। अब हाँ, ब्रॉक लेसनर के चांसेस जरूर से कि वो स्मैकडाउन में जा सकते हैं एंड उनकी फ्यूड हमें रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के साथ देखने को मिल सकती है। बट हाँ, उनकी जरूरत मुझे जहां तक लगती है वो है मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि भाई मंडे नाइट रॉ अभी काफी ज्यादा बेकार से चल रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। बट हाँ, अगर वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाते देन फैंस अगेन जुड़ जाएंगे रॉ के साथ और हो सकता है बैकलैश के होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच में हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल जाए, जहां पर हो सकता है वो सिर्फ हमें ड्रू मैकइंटायर पर ही अटैक करते हुए दिखे या फिर वो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड बॉबी लेसनर पर कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट पे भी, यानी कि मनी इन द बैंक एक्सट्रीम रूल्स वगैरह में हमें ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर को फेस करते हुए दिख सकते हैं। एंड फाइनली समर स्लैम के पेपर व्यू में हमें बॉबी लेसनर एंड ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा WWE चैंपियनशिप के लिए। और कह सकते हैं अगर ब्रॉक लेसनर रॉ में आ जाते हैं एंड उन्हें WWE चैंपियनशिप पिक्चर में या फिर ड्रू मैकइंटायर ब्रॉन स्ट्रोमन के अगेंस्ट फ्यूड में डाल दिया जाता है देन रॉ की रेटिंग्स फिर से बूस्ट हो सकती है। इसलिए लेट्स सी कि क्या WWE हिस्ट्री फिर से रिपीट करती है, क्योंकि भाई बैकलैश के पेपर व्यू में भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलेगा। और सभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है मनी इन द बैंक या फिर एक्सट्रीम रूल्स, क्योंकि भाई समर स्लैम उसके काफी ज्यादा क्लोज है। इसलिए लेट्स सी आखिर कहां पर होता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। और गाइस, साथ ही साथ WWE अपने वेबसाइट पर इस तरह से दिखा रही है कि शायद से यह ट्रिपल थ्रेट मैच ही मेन इवेंट करने वाला है रेसलमेनिया बैकलैश को।
इसलिए अगर ये मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है देन इसके चांसेस काफी ज्यादा है कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सॉकर देखने को मिलेगा, चाहे वो न्यू चैंपियन हो या फिर हो किसी का रिटर्न। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आपको क्या लगता है, जब ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएंगे मंडे नाइट रॉ में तो रॉ की रेटिंग फिर से अब जाएगी या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।